चलती है कोरोना की तबाही, लॉकडाउन के समय में साथ दे रही है मेरा मेरे कलम की स्याही। जीवन बहुत अनमोल है दोस्तों, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करें। लॉकडाउन को फॉलो करें और घर पर ही रहें। अच्छे से हाथों को धोए, सैनिटाइज करें, हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क पहने। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस को अच्छे से फॉलो करें। जो भी खाद्य सामग्री खाने पीने के लिए खरीदे उसे अच्छे से धोले, सैनिटाइज करें, धूप में रखें और सावधानी से इस्तेमाल करें। रास्ते में पड़ी हुई चीजों को ना हाथ लगाए, ना किसी से कुछ ले, ना किसी को कुछ दे। एक घंटे सुबह, एक घंटे शाम थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और शरीर को मजबूत करें। खान पान में सावधानियां बनाए रखें, थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पीते रहें और हेल्दी खाना खाते रहें। साथ ही साथ इस विषम परिस्थिति में भी हंसते हुए मुस्कुराते रहें। अपने घर में हर रोज एक अच्छा माहौल बनाते रहें। इस लॉकडाउन को तनाव के रूप में स्वीकार ना करें, अपितु इसको भगवान का एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें कि आपको भगवान ने परिवार के साथ वक्त बिताने का एक अवसर प्रदान किया है। इसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें। आओ सब मिलकर कोरोना को हराते हैं। हम सब घर पर रहकर ही नया भारत बनाते हैं। न घर से, न शमशान से, न बॉर्डर से, न युद्ध के मैदान से। सभी मानव जाति और विश्व को यह जंग जीतनी है तो जीत सकते हैं अपने ही मकान से। मैं हूँ चीन और मैं हूँ हिंदुस्तान से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।